वेलकम टू टिनीमाइन। आज हम काटेंगे गणेश जी। ये हमारी प्लेट रेडी है, ये हमने क्लम्प कर दी। उसके बाद हम 16 के एंड से सबसे पहले फेस का प्रोग्राम चलाएंगे। ये हमारा 16 का एंड है R8। सोलह का एंड फेस का प्रोग्राम पूरा होने के बाद हम इसी 16 के एंड से आउटर चला देंगे। और इस आउटर को पूरा होने के बाद हम इसी 16 के एंड से 16 का एंड रफ चला देंगे। जो अपनी रफिंग करेगा जहाँ तक की वो कर सकता है। ये हमारा टूल हो चुका है 77%। हमारे 16 के एंड की वर्किंग खत्म हो चुकी है। अब हम इसके बाद लगाएंगे अपना 5 mm का एंड मिल कटर। सोलह के एंड के बाद अब ये कटर अपनी रफिंग करेगा। जहाँ पे 16 के एंड ने अपनी रफिंग छोड़ी है वहाँ से स्टार्ट करेगा। फिर ये अपनी सारी रफिंग अपने मैक्सिमम लेवल तक सारी रफिंग कर देगा। ये देखो, ये हमारा टूल रुक गया। अब हम इसके बाद चलाएंगे अपना नेक्स्ट टूल। ये हमारा 2 mm का एंड है जो हाथ से बनाया हुआ होता है। इससे हम चलाएंगे अपना फ्लैट का प्रोग्राम, फ्लैट फिनिशिंग। अभी हमारा फ्लैट का प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ भी हमारा ये फ्लैट सरफेस था वहाँ पे ये प्रोग्राम अपने आप ही जाके फिनिशिंग कर देगा। हमारे अभी बेड की रबड़ थोड़ी टाइट है तो ये जो आवाज़ आ रही है पिचड़ पिचड़ वो उसकी है, मतलब एकदम टाइट है ना अभी बेड। ये हमारा 2 mm फ्लैट पूरा हो गया है। अब हम चलाएंगे इसके अंदर अपना 1 mm मतलब 1 mm बॉल फिनिशिंग, जो हमारे पूरे गणेश जी को पूरा फिनिश कर देगा। अभी हमारी फिनिशिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कम से कम 2 से 3 आवर चलेगी। उसके बाद ये फिनिशिंग एकदम हमारे गणेश जी पूरे फिनिश हो जाएंगे। ये देख रहे हो आप, जहाँ जहाँ पे हमारा टूल चल चुका है वहाँ पे एकदम अच्छी एक्यूरेसी आई हुई है। बीच बीच में ये रह गया है। अब हमारा 95% फिनिशिंग टूल ख़त्म हो चुका है। अब ये डिटेलिंग कर रहा है। अभी हमारा 1 mm का बॉल भी ख़त्म हो गया। अभी ये खाली हमारे कॉर्निंग पे रेडियस रह गया है, इसको और क्लियर कर देते हैं। हमारा 3 mm का बॉल है, ओरिजिनल वाला बॉल। ये हमारा मशीन में लग गया। अभी कोने पे जो रेडियस था उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद हमारे गणेश जी पूरे पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। अभी देख सकते हैं हमारे गणेश जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम अपनी कलम खोल के गणेश जी बाहर निकालेंगे। जी आ गए, और ये रहा मैं गणेश जी के साथ। वक्रतुंड महाकाय
कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।